Hi friends, welcome back to my channel. This is Jyoti. So, आज के वीडियो के लिए मैंने एक बहुत ही डिफरेंट सा वीडियो सोच के रखा है. आज मैं नॉन एडिटेड मेकअप ट्यूटोरियल डालूंगी. इसमें आप सब कुछ देख सकेंगे, मेरे सारे ब्लूपर्स, गलती, किधर किधर मैंने गलतियाँ किया है, सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ. सो पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज ये आपको दिखाना है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है बिटवीन मेकअप ट्यूटोरियल एंड मेकअप इन रियल लाइफ. यहाँ पे मैं खुद का ही रोस्ट करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. हेलो, अभी हम स्टार्ट करेंगे. अभी मैं लगा रही हूँ एक मॉइस्चराइजर, फिर मैं ढूंढ रही हूँ कि इसे किससे लगाना है फिर मैंने सोच लिया कि मैं हाथ से ही लगा लूँ, तो मैं रगड़ रगड़ के लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर. एक्चुअली मॉइस्चराइजर को स्किन में अब्सॉर्ब होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मॉइस्चराइजर अब्सॉर्ब नहीं होगा तो स्किन के टॉप लेयर पे रहेगा और काफ़ी देर के लिए वो स्टिक करेगा एंड स्लिपरी हो जाएगा, मेकअप अच्छे से नहीं बैठेगा. सो आई वुड रिकमेंड कि आप मॉइस्चराइजर को ड्राई कर लो, क्योंकि ये गलती मैं बहुत बार कर चुकी हूँ एंड माई मेकअप वॉज लुकिंग रियली बैड. ये मैंने क्या कर दिया, ज़्यादा इंस्टाग्राम स्टाइल में करने जाओगे तो ऐसा ही होता है, लाइक यू हैव टू बी अ प्रो टू डू दैट. ठीक है, तो फिर मैं अभी बाल को साइड में करूँगी और फिर मैं उसको ब्लेंड करूँगी. ब्लेंड मैं हाथ से ज़्यादा ब्लेंड कर लेती हूँ, क्योंकि ये ब्रशेस से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रशेस धोना पड़े. फिर मैं ढूंढूंगी कि अरे भाई ये किधर गया, क्या लगाऊ, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है. ठीक है, मैं कलर करेक्शन ढूंढ लेती हूँ. तो फाइनली मुझे मिल चुका है कलर करेक्शन. अभी ये ऑरेंज वाली मैं लगाऊंगी, जैसे कि मैं यूजुअली अप्लाई करती हूँ. और ये मेकअप लुक मेरे बहुत ही डेली बेसिस का मेकअप लुक है. ठीक है, तो आप जब मुझे मिलोगे इन रियल लाइफ इन पर्सन, तभी ये मेकअप लुक आप लोगों को देखने को मिलेगा. सो मैं अप्लाई कर लिया है, फिर मैं ढूंढूंगी ब्रशेस ना मिलने पर मैं हाथ से ही ब्लेंड कर दूंगी, फिंगर से. Get some help. तो थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड करूंगी. और कलर करेक्शन मैं अपने सिर्फ फेस के अराउंड ही करती हूँ, क्योंकि मेरे फेस में ज़्यादा डिस्कलरेशन नहीं है. मेरे अंडर आईज भी परफेक्ट है, तो डार्क सर्कल मुझे नहीं है. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. तो अभी मैं ढूंढूंगी पाउडर. तो अभी मैं पाउडर अप्लाई कर रही हूँ एक ब्रश से. तो ये मेकअप लुक मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ जल्दी जल्दी चलते हैं. आई डोंट नो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर या आप लोग समझ रहे हो ना. समझ रहे हो. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप जब किसी भी चीज़ को रोज रेगुलरली करते हो, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है, आप उसमें परफेक्शन थोड़ी बहुत अचीव कर लेते हो. अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना है, भूल गई मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ. अभी मुझे मिल गया है, मुझे क्या कम करना था, मुझे मेरा फाउंडेशन मिल गया है. अभी इस फाउंडेशन को मैं अप्लाई करूँगी एक ब्रश से. डायरेक्टली बॉटल से अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि पिछली बार जब अप्लाई किया था बॉटल से, तभी इधर उधर छिड़क गया था, आप लोगों ने भी देखा. सो मैं उसको अप्लाई करूँगी एक ब्रश से, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाली हूँ. तो प्रोडक्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अवार्ड मिलने वाला है. माय गॉड, यहाँ पे मेरा फाउंडेशन ब्रश फिर से गिर चुका है, मैंने जिससे फाउंडेशन में लगा रही थी. तो उसको बाद में उठाएंगे. अभी मैं लूँगी ये कलर, ये ब्रश, ये कंसीलर ब्रश है. इससे मैंने कलर करेक्शन को ब्लेंड कर दिया था, तो इसको लेके मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. अभी मुझे लग रहा था कि उसे करने में एक साल तो लग ही जाएगा, इसलिए मैंने नया बड़ा सा ब्रश लिया, तो कि जल्दी जल्दी हो जाए. यहाँ पे अप्लाई करते करते मैं अपने हस्बैंड के साथ भी बात कर रही हूँ. वो बता रहे थे कि जल्दी रेडी हो जाओ, क्या तुम हमेशा मेकअप करती रहती हो.
मैंने उनको बताया कि प्लीज मुझे 5 मिनट दे दो प्लीज, मैं थोड़ा सा रेडी हो लेती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था उस दिन और उस दिन मैंने व्लॉग भी तैयार किया था। ये मेकअप लुक करके मैंने रिवर साइड पे गई थी। अगर आप वो व्लॉग देखना चाहो तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में पिंक कर दूंगी, आप चेक कर लेना, ठीक है? हाय, ओके। मैंने फास्ट फॉर्मेट में इसलिए डाल दिया था ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। फिर मैं ढूंढूंगी क्या ढूंढूंगी यहाँ पे मैंने लिपस्टिक ढूंढ लिया है, तो लिपस्टिक को मैं अप्लाई करूंगी अपने चीक्स पे। सो ऑन एन एवरीडे बेसिस मैं प्रेफर करती हूँ एक लिक्विड ब्लश, उसके ऊपर टॉप अप करने के लिए एक पाउडर ब्रश, और फिर मैं वही सेम ब्रश से ब्लेंड करूंगी। तो सेम ब्रश से ब्लेंड करोगे तो क्या फ़ायदा होगा कि आपके ब्रश में ऑलरेडी फाउंडेशन का रेसिड्यू है जो कि आपके ब्लश को ब्लेंड करने में बहुत ही ईजी होगा। लिक्विड ब्लश को अप्लाई करने के बाद मैं लूँगी ये कंसीलर, और ये बहुत ही लाइट शेड का कंसीलर है। इसे सिर्फ मैं हाइलाइटिंग करूँगी थोड़ा बहुत अपने अंडर आइज एरिया को, और अपने हाई पॉइंट्स पे मैं हाइलाइटिंग करूँगी। फिर मैं अपने कंसीलर को भी ब्लेंड कर दूँगी, और उसके लिए मैं वही सेम ब्रश यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा फाउंडेशन है जो कि कंसीलर को ब्लेंड करने में ईजी होगा। और एक फ़ायदे की बात कि ये आपके ब्रश धोने से भी आपको बचाएगा, सो दैट्स अ विन विन, इसलिए मैं ये करती हूँ। फिर हम इसको ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड कर देने के बाद मैं ढूंढूंगी अपना पाउडर क्योंकि हमारे फेस को सेट भी करना है। आप लोग देख सकते हो मेरे हेयर्स पे थोड़े बहुत फाउंडेशन लग चुका है मेरे लेफ्ट साइड में, और फिर मैं डैप 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 करके अपना पाउडर को अच्छे से अप्लाई करूँगी। तो मेकअप करते करते मैं अपने हस्बैंड से भी बात कर रही थी, वो बोल रहे थे कि जल्दी रेडी हो जा, जल्दी रेडी हो जा, तुम हमेशा लेट करती हो, लेट करवा देती हो, अगर लेट गए तो कैसे तुम वीडियो बनाओगी और कैसे तुम सनसेट देख पाओगी। मैंने बोला जल्दी जल्दी हो जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ जस्ट वेट करो मेरे लिए 2 मिनट 5 मिनट, ऐसा कर करके मैं बोल रही थी और जल्दी जल्दी मेकअप कर रही थी। और ये वीडियो, ये पार्ट बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड में नहीं है, ये मेरा असली में हद से मैं जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि जल्दी रेडी होंगी तब भी अच्छे से मैं जा पाऊँगी। अभी मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ रही हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ भगवान ही जाने। तो मुझे आधे से ज़्यादा टाइम लग जाता है कि ढूंढने में कि किधर है मेरे चीज़ें, इधर उधर मैं ढूंढ रही थी, अभी शायद मिल गया है। अभी मैं ले लूँगी मेरा आईब्रो पोमेड जिसे मैं आईब्रो करूँगी। तो मैं जब भी मेकअप करती हूँ मैं कंसिडर करती हूँ कि मैं कुछ भी छोड़ दूँ लेकिन आईब्रोज ना छोड़ूँ क्योंकि मेरे आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। लाइक पीपल टेल मी लाइक मेरे आईब्रोज नहीं है, ठीक है पर हम ड्रॉ तो कर सकते हैं ना। तो आज मैं दिखा रही हूँ कि रियल टाइम आईब्रो मैं कर रही हूँ, मतलब कितना टाइम एग्जैक्टली लगता है। माय हैंड्स आर प्रीटी फास्ट इसलिए शायद ये जल्दी जल्दी हो जाएगा फिर, लेकिन आईब्रो करना एक बहुत ही पेशेंस की बात होती है। काफ़ी टाइम मैंने देखा है कि लोग ऐसे आईब्रो करते हैं जैसे कि मुझे लगता है कि आर्टिफिशियली ड्रॉ कर लिया है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जैसे कि मैं हेयर्स जैसा स्ट्रोक्स ड्रॉ करूँ और फिर उसको एक नेचुरल सा शेप भी दूँ। ज़्यादा अपलिफ्ट नहीं करूँगी नहीं तो वो मेरे फेस के साथ बहुत ही फेक लगेगा क्योंकि व्हेन आई डोंट डू माय आईब्रोज तभी लगता है कि वो आईब्रोज नहीं है, और जब मैं आईब्रोज करती हूँ वो ज़्यादा लिफ्टेड होने से वो बहुत ही फेक दिखता है। लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक क्रिएटिंग अ फेक आईब्रो। फिर भी मैं थोड़ा सा आर्च दूंगी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा आर्च दूंगी। अभी मैं फिर से प्रोडक्ट पिक करके मैं देख देख के लगाऊंगी। तो आईब्रो करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे भी मैं आईब्रो प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रही हूँ। आईब्रो हो जाने के बाद मैं आईब्रो प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी यूजिंग दैट स्पूली ताकि वो थोड़ा बहुत नेचुरल दिखे। फिर मैं ढूंढ रही हूँ कुछ भी, अभी पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। फिर मैंने लगाया है मस्कारा, और
मस्कारा मैं ऐसे लगा रही थी, देख आप लोग देख सकते हो लाइक मेरा मस्कारा पूरा स्मज हो गया है। यस आई एम प्रीटी बैड एट अप्लाइंग मस्कारा, मैं मस्कारा लगाने में बहुत ही ज्यादा मैं बुरी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मस्कारा लगाने में मैं बहुत ही मतलब अनाड़ी हूँ। मेरे राइट साइड आईज पे आईलिड पे मस्कारा लग गया है और मैंने मस्कारा के वॉन्ड से मैंने आईज में भी चला गया था, तो मेरे आईज अभी टियर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, इट्स नॉट अ बिग डील, तो ऐसा होता है रहता है मेरे साथ। फिर मैं अप्लाई करूँगी एक लिक्विड ग्लिटर, क्योंकि लिक्विड ग्लिटर क्योंकि मुझे लगता है कि दे आर सो मच डैम लॉन्ग लास्टिंग। तो अगर आपको भी आई शेडो अप्लाई करना नहीं आता सो आप एक लिक्विड ग्लिटर ले सकते हो, उसको अपने ऑल ओवर द आईलिड अपने फिंगर्स की मदद से ब्लेंड कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कितना मैनेज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मस्कारा ड्राई होके उठ जाए। तो यही ट्रिक है, जब मस्कारा वेट हो आप उसे मतलब उठाने की कोशिश मत करना, नहीं तो पूरा एरिया डार्क हो जाएगा। फिर मैं ये ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी और मैंने फिर सोचा कि हाँ क्रीज के लिए एक कलर होना चाहिए, क्योंकि मेरे आईज थोड़े बहुत हुडेड है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे आईज को थोड़ा शेप देने के लिए, थोड़ा सा कॉन्टूर करने के लिए आईज के जो मेरे क्रीज है तो उसको मैं थोड़ा सा कॉन्टूर करूँगी। आई शेडो ब्लेंड करने के बाद मैं खुद चेक करूँगी बार बार। यहाँ पे देख रहे हो मेरे लैशेज क्लॉट हो गया है, यहाँ पे मैं लैशेज ठीक करूँगी, फिर मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा फिर से। ठीक है, आपको एक बार नहीं दो बार नहीं, आपको बहुत बार कोशिश करना है कि मेकअप लुक कैसे भी करके परफेक्ट दिखे। ठीक है, अभी मैंने ये स्टेप कर लिया है तो अभी मैं अपना नेक्स्ट स्टेप करूँगी। उसके लिए मैं प्रोडक्ट ढूँढ रही हूँ। अभी ढूँढने के बाद मुझे शायद मिल भी गया है, तो उसके बाद मैं लूँगी हाइलाइटर। और हाइलाइटर मैंने लेकर मैं सिर्फ अपने इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी। ऑन एन एवरीडे बेसिस मैं हाइलाइटर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती अपने चीक्स पे, क्योंकि वो जब हाइलाइटर्स जब शाइन करने लगता है इट लुक्स वेरी मच आर्टिफिशियल। मतलब अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन मुझे नेचुरल टाइप का मेकअप बहुत ही पसंद है। यहाँ पे मैं अपने लोअर वाटर लाइन और अपर लैश लाइन पे मैं थोड़ा सा काजल अप्लाई करूँगी। सो यहाँ पे मैं थिकली अप्लाई नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे ये मेरे आईज को डिफाइन करने के लिए कर रही हूँ। ये बहुत ही नेचुरल और डिफाइंड दिखता है आईज। सो मैं ऑन रेगुलर बेसिस आईलाइनर भी मैं नहीं लगाती हूँ, कभी कभी मन किया तो लगा लेती हूँ लेकिन हर वक्त मैं नहीं लगाती हूँ। सो आफ्टर दैट इज डन फिर मैं उसको रख दूँगी अपने टेबल पे। तो फिर मैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की खोजने में लग जाऊँगी। चलिए देखते हैं कब तक नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलता है। अभी मुझे मिल नहीं रहा है, क्या मैं ढूंढ रही थी, तो देखते हैं कितने देर में मिलता है। वो सेम लिपस्टिक मैं लिप्स के लिए भी यूज़ करूँगी, इससे फेस में एक न्यूट्रल टोन रहता है। सो व्हेन यू यूज़ योर लिपस्टिक फॉर बोथ ब्लश एंड लिपस्टिक। फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ ये लिपस्टिक। तो एवरीडे बेसिस में अगर आप फोटोज़ लेने वाले हो या फिर सेल्फी लेने वाले हो, वीडियोज़ लेने वाले हो, यू कैन मोस्ट डेफिनेटली यूज़ ब्राइट लिपस्टिक। इससे आपका फेस बहुत ही ब्राइट दिखने लग जाता है। बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ब्राइट लिपस्टिक, पर उस दिन मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा ब्राइट लिपस्टिक यूज़ कर लूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से पिंक लिपस्टिक वेयर नहीं किया था। तो मैंने यहाँ पे पिंक लिपस्टिक अप्लाई किया है और अभी हम तो बहुत ज़्यादा ब्लश के साथ शौकीन हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरा नया सा जो ब्लश है, दिस इज़ फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन, बहुत ही अच्छा सा डिसेंट सा ब्लश है, मैं उसको अप्लाई करूँगी अपने चीक्स पे। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने बाल ठीक करूँगी क्योंकि अब मेरा मेकअप लुक ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं ये छोटा सा इयर रिंग पहन रही हूँ, दिस इज़ वेरी क्यूट। सो दिस इज़ माई मेकअप लुक। आई होप यू गाइज लाइक वॉचिंग माई ट्यूटोरियल।
Jokes apart, thank you so much for watching my video. I hope you liked my video, and I have also tried to edit a bit, so I hope you enjoyed. Let me know in the comment section your thoughts and views, and this is me, Jyoti, signing off. Bye.